राणा सना, बड़ी तोपें लाना, छोटी तोपों से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म से पीटीआई के रहनुमा यास्मीन राशिद ने विपक्षी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, इंसानों के समंदर के आगे ये कुछ नहीं कर सकेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च होगा और जरूर होगा। ना कहीं बड़ी तोपें लेके आए, क्योंकि छोटे मोटे से तो उसका गुजारा नहीं होगा, हम सारे तैयार हैं। इतना बड़ा इंसानों का समंदर होगा, ये जो मर्जी करते रहे, ये लॉन्ग मार्च होगी, हम इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर इन्होंने खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत दोबारा की, तो उसकी भी पूरी तैयारी कर। खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, हम अमन में बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारा हक है। जो हर बंदे का जमहूरी हक होता है कि अगर वो एहतजाज करना चाहे और पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो उसके बारे में कुछ ना हो। ऑन दी अदर हैंड, उन लोगों ने तहिया किया हुआ है कि उन्होंने एक तमाशा खड़ा करना है, हर थोड़े दिनों के बाद तो सारा इस्लामाबाद खुद ही बंद कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।